वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है NHM UP के अंतर्गत यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से। यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट रिलीज किए गए हैं, CHO की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं CHO की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रिलीज किए गए हैं, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है अप्लाई करने का, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपको फॉलो करने हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जैसे हमने बताया NHM UP की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले यहाँ पर उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी CCHN में, यानी कि सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस की ट्रेनिंग उनको दी जाएगी 6 मंथ के लिए, यहाँ पर 2021 से 22 सेशन के लिए। तो यहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद उनका एक फाइनल एग्जाम लिया जाएगा। फाइनल एग्जाम में जो भी कैंडिडेट पास आउट होते हैं उनको एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उनकी पोस्टिंग की जाएगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे। तो यहाँ पर कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेंगे उनको पहले 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनकी पोस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें अगर, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, टोटल वैकेंसी जो रिलीज की गई हैं वो 2800 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, यानी कि 2800 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज किए गए हैं CHO की पोस्ट के लिए। यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने GNM किया है या फिर BSc नर्सिंग किया है, GNM या फिर BSc नर्सिंग किया है आपने, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर रखा गया है, तो 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी फ्रॉम UP नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल से। यहाँ पर वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्हें ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे, अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उस टाइम पर यहाँ पर वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दिया हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट जो है वो 30th of June 2021 है, 30th of June 2021, यानी कि 30 जून 2021 से 11 बजे से शुरू होने वाला है यहाँ पर अप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 20th of July 2021 यहाँ पर लास्ट डेट है। सो यहाँ पर 30 जून से 20 जुलाई तक आप अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिशन के लिए वेबसाइट दिया हुआ है NHM UP की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट जैसा कि हमने बताया 30th of June 2021, यानी कि 30 जून से शुरू होने वाला है सुबह के 11 बजे से, तो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जैसे हमने बताया कि यहाँ पर GNM कैंडिडेट हैं, अगर BSc नर्सिंग किया है आपने या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और आपका एज जो है वो 35 ईयर्स है उससे कम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी फ्रॉम UP नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल, यहाँ पर UP का रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है NHM UP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। सो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा, टेम्प्रेरी बेसिस पर सेलेक्ट किया जाएगा उनकी पोस्टिंग यहाँ पर जैसे ही वो एग्ज़ाम पास आउट करते हैं उसके बाद उन्हें पोस्टेड किया जाएगा एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्हें यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट जैसे हमने बताया कि 30th of June 2021 है, तो 30 जून से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना रहेगा उनको। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो यहाँ पर अभी तक जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो 2800 वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं, यानी कि 2800 वैकेंसीज रिलीज किए गए हैं। NHM UP की ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप NHM UP की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से डिटेल इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं।
इसके अलावा अदर क्वेरी के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।